Hey guys, welcome back to my channel. तो मैं भी रिसेंटली मॉल में मार्केट से गुजर रही थी, तो मैंने ये फनस का थैला देखा. तो फनस जो है ना, वो कटहल का फ्रूट होता है, और ये कुछ अलग तरह के कटहल आते हैं जिनमें ये फ्रूट बनता है. तो जो हम कटहल खाते हैं ना, वो वाला कटहल नहीं होता, ये उसी कटहल का दूसरा वैरायटी होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े कटहल होते हैं. आप देख सकते हैं ये कुछ 10-10, 15-15, 20-20 किलो के कटहल हैं, और उसको काट के वो अंदर से फनस निकाल रहे हैं, जो कि कटहल का फ्रूट होता है. ये फनस कटहल तो आपने बहुत लोगों ने खाया होगा, पर फनस काफी लोगों ने नहीं खाया है. बिकॉज़ अच्छा, दोनों कटहल अलग अलग तरह के होते हैं, वो मोस्टली बॉम्बे तरफ और इस तरफ ही मिलता है. बट गाइस, ये पूरा पका हुआ अलग होता है. सो वेरी हेल्दी एंड सो टेस्टी. तो यू नो, आप कोशिश कीजिए कि आप कटहल को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए. हम लोग जब कभी उधर पार्क में जाते थे तो लाते थे. आज आपको देखा तो गाड़ी बता क्या है, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सभी तरह के उसमें. ये बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, डायबिटीज कंट्रोल में रखता है. इट यू नो, इट आल्सो हैज वेरी लेस कार्ब्स इन इट, सो इट आल्सो हेल्प्स इन यू नो वेट लॉस. ये कितना है? और गाइस, इसका टेस्ट है वो इतना अमेजिंग लगता है ना. और ये जो कटहल फनस ही जो निकाल रहे हैं ना, फनस के अंदर बीज भी निकलता है. तो वो जो बीज है ना, आप उसका भी पाउडर बना के एज अ फेस पैक यूज कर सकते हैं, या फिर उसका पाउडर बना के आप यू नो किसी सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी वैरायटीज में उसको यूज़ कर सकते हैं. सो या, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग फ्रूट टू हैव. अगर आप कहीं भी ये फनस का थैला या कटहल का ऐसा थैला देखें, तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा. कुछ लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद है, जैसे मेरे घर पे यहाँ पर सिर्फ मैं खाती हूँ, और अगस्ते को अभी मैं खिला रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी. तो अगर आपको वो टेस्ट अच्छा लग गया तो लग गया, नहीं लगा देन यू मे बी वुडन लाइक इट ऑल्सो. बड़े नहीं, माल ही छोटा निकल रहा है वहाँ पे. तो भैया 40 का लगाओ ना, ये 50 थोड़े अच्छे बड़े बड़े आते हैं पार्ले में भैया. ए भाभी, 40 में नहीं आएगा. चलिए, अच्छा, अच्छा किसी में बड़ा निकल रहा, किसी में छोटा. कल फिर ले आएंगे बनाते हैं. ठीक है, एक पाव दे. क्योंकि वो ना जल्दी ख़राब भी हो जाता है ना भैया, ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं. मिलेगा, मैं कंटिन्यू करूँगा. यहाँ यहाँ से लगा के आ जाते. ओके, बस यहाँ पर मिलोगे ना? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये हम लोगों को 50 रुपये का पाव मिला था, विच इज़ 250 ग्राम्स. तो थोड़े महंगे होते हैं ये, 200 रुपये किलो है इसका मतलब. कुछ जगह पे जैसे विले पार्ले में तो ये 60 रुपये का पाव भी मिलता है. सो एक्चुअली अ वेरी कॉस्टली फूड, बिकॉज़ इसको उगाने में निकालने में बहुत मेहनत लगती है. तेरे भाई बहन के खाए.